हाँ दोस्तों, मेरे पास में और ये माइक का और बोर्ड है, और 6.5 बाई 3.5 का इसका लंबाई चौड़ाई है, और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये कटा कटा हुआ ये माइक का जो है मार्केट में पावर बोर्ड के लिए आता है, ये इसको पावर बोर्ड बोलते हैं, इस तरह होता है। मेरे पास कंपनी का स्विच और 5 पिन का सॉकेट भी है, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा एक बार निकाल कर। और यहाँ पर है, और आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोग घर पे पावर बोर्ड बनाएं, और पावर बोर्ड बनाने के बाद इस बोर्ड से आप हीटर, इंडक्शन चूल्हा और इमर्सन राड इस बोर्ड पर यूज किया जा सकता है। ये 16 एम्पियर में होता है और इसका वायरिंग 1.5 mm में होता है। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो में बने रहे, पावर बोर्ड कैसे बनाते हैं। और इसमें अभी 4 टोपी छेद करना अभी ड्रिल मशीन से, तो ये वाला कटिंग मार्केट से आता है। तो इस टाइप का जो स्विच है और सॉकेट हम बाहर निकाल लेते हैं, ये है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, मार्केट का ही है। तो आगे चलते, इस वीडियो में बने रहें, लगे रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। और मैं इसको अभी छेदूंगा इसको ड्रिल मशीन से। सबसे पहले यहाँ पे मैं चीन लगा लिया हूँ, हाँ दोस्तों, मैंने इसमें 4 ठो छेद कर लिया हूँ माइका में, और लकड़ी के बोर्ड में भी 4 ठो छेद कर लिया हूँ। और छेद करने के बाद इसमें हम लोग स्विच और सॉकेट को हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे ये सॉकेट है और यहाँ पे स्विच लगेगा। ये दोनों 16 एम्पियर में है, और इसको पावर बोर्ड बोलते हैं, इसमें एम्पियर का ज़्यादा प्रवाहित होता है, तो इसलिए इसको हम लोग पावर बोर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रूप से लगा लेते हैं। ये मेरा सॉकेट 5 पिन का सॉकेट ये तैयार हो गया है, और इसमें हम स्विच लगाएंगे, और स्विच लगाने के बाद इसको दिखाएंगे कैसा लगता है। हाँ दोस्तों, और ये मैंने दोनों स्विच और सॉकेट को इस माइका में नट बोल्ट के माध्यम से जो स्क्रूप है और इसके माध्यम से मैं इसको सेटिंग कर दिया हूँ, और इसके बाद में इसका वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात बताने वाला हूँ, एक जो 5 इन का सॉकेट होता है, कभी भी आप लोग ध्यान दे वायरिंग करना हो तो सामने से दाहिने तरफ ये फेस होता है, और लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में ये न्यूट्रल होता है। तो कभी भी आप सही तरीके से वायरिंग करें, सामने से दाहिने तरफ फेस होता है और सामने से बाएं तरफ न्यूट्रल होता है। और इसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे, और 1.5 mm का वायर से कनेक्शन किया जाता है। मेरे पास एक टुकड़ा है 2 mm का, और ये 2 ठो है 1.5 mm का। तो आप लोग बस तरीका बताऊंगा कैसे कनेक्शन किया जाता है पावर बोर्ड में। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले मैं इधर से खोल लेता हूँ, ये जो है सभी नट बोल्ट को मैं ढीला कर लेता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले अंदर का जो हम लोग का सर्विस होता है, सप्लाई सर्विस, उसको कनेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ से इनपुट दिया जाता है, आउट निकल के इधर से यहाँ चला जाता है, तो इसलिए हमको कभी भी या आप लोग को कभी भी इनपुट को नीचे से देना चाहिए स्विच हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ऊपर से आउट किया जाता है, नीचे से इन होता है, ऊपर से आउट होता है। और ये जो है, मैं थोड़ा सा वायर बड़ा रख लेता हूँ, कभी अचानक टूट भी जाता है तो इसको इसमें से एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं फेस को 5 इंच सॉकेट में यहाँ पे इन कर देता हूँ, आउट से निकाल कर फिर इन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है स्विच से। ये स्विच जब ऑन करते हैं तो इधर से लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ऑफ़ करेंगे तो ये लाइन कट जाएगी। तो सब यहाँ पर हम लोग इसका कस लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया इसका वायर, और इसको हाँ दोस्तों, मैंने इसका वायरिंग कर दिया, और इसमें हम इनपुट का वायरिंग करेंगे। और ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है कभी भी, तो आप लोग
कभी भी वायर कहीं भी वायरिंग करें आप तो ब्लैक कलर को न्यूट्रल ही रखें, जैसे इस टाइप का। और इसको मैं यहाँ पे जो इसका मैं बता रहा था, ये न्यूट्रल होता है सामने से बाएं तरफ न्यूट्रल होता है, इसको हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। ये हो गया इसका कनेक्शन। और इनपुट हमको फेस डालना है, तो ये जो है स्विच का जो नीचे वाला इनपुट होता है, इसको हम यहाँ पे कस देते हैं। कभी भी आप इनपुट को नीचे ही कसें, क्योंकि स्विच जब हम लोग ऑन करते हैं ऊपर की तरफ से आउट निकलता है, जो इस टाइप का है। और आप लोग को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, जो सामने से इस तरह दिखेगा और वायर दो इस टाइप का निकलेगा, और जो एक बार पीछे से ऐसे दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये मेरा पावर बोर्ड बन के तैयार हो गया, और मैं इसको अभी मैं बोर्ड के अंदर लगा कर और इसको मैं स्क्रूप से कस देता हूँ। ये हो गया इस तरह, ये है। और स्क्रूप जो है ये 6 नंबर का स्क्रूप है, और 6 नंबर का मैं छेदा भी किया ड्रिल मशीन से, तो 6 नंबर का स्क्रूप भी लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसको कस देता हूँ, और मेरा बोर्ड बन के तैयार हो गया है। आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं। ये बोर्ड तैयार हो गया, और इसमें हम लोग बिजली दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं। आप लोग देखें कैसा लगता है, और कमेंट में करके बताएं आप लोग कि यह इस टाइप का बोर्ड पावर बोर्ड होता है, और 6 एम्पियर से नहीं होता है, ये 16 एम्पियर में होता है। तो ये 5 पिन का सॉकेट होता है, इसमें 6 एम्पियर भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह का। तो ये कैसा लगा बोर्ड, आप लोग इसी तरह घर में पावर बोर्ड पर इंडक्शन या इमर्सन राड या कोई भी हीटर हो, कॉयल वाला हीटर हो, आप लोग इस पर यूज कर सकते हैं। आप लोग याद रखें कि इसका 1.5 mm से 2 mm का वायर ही रखें, नहीं तो अन्यथा यह फूक जाएगा यह करंट से। तो इसी तरह मेरे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।